शादी करोगी मुझसे? नहीं, ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम्हारे बगैर जीने के तसव्वुर से खौफ आने लगता है मुझे अरसलान। मैं लोग बिल्कुल सच कहते हैं, अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। और वैसे भी तुम्हें खो देने से ही मुझे तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ है। लेकिन अरसलान, सामिया का क्या होगा? छोड़ दूंगा उसे मैं। उस बेवफा के लिए मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं तुम्हारे भाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक तो पहले से ही वो सही आदमी नहीं है, और मैं बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर में। तो मेरे सामने आ जा तो जान से मार दूंगा मैं उसे। अच्छा अरसलान, तुम्हें वो हमारा सी फेसिंग वाला अपार्टमेंट याद है? शादी के बाद ना हम वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे और फिर कुछ महीने बाद US चले जाएंगे परमानेंटली। थैंक यू फरिया, तुमने मेरा इतना साथ दिया। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मामा, मामा, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है अरसलान प्रपोज टू मी। ये अरसलान आदमी है या पजामा? तुम्हारे जाते ही किसी भी रैंडम लड़की से शादी कर ली और अब उसे छोड़कर तुमसे शादी करने की बात कर रहा। स्ट्रेंज। वैसे ये इतना इमेच्योर होगा इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। सारे फैसले दिमाग के बजाय दिल से करेगा। सोच लो फरिया, इस बात में भी कितनी हकीकत है या फसाना, ये तो अल्लाह ही जाने। मामा, अब आप कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हैं। सामिया और अरसलान में कभी कोई अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, और वैसे भी ये एक जबरदस्ती का रिश्ता था जो हल्की सी ठेस से टूट गया। मेरी जान, वो अब भी उसकी बीवी है, ये भूलना मत। और फरिया, हो सकता है कि गलती उसके भाई की हो, या फिर अरसलान की माँ ने कोई साजिश की हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अरसलान और उसकी माँ मिलकर सारा खेल खेल रहे हैं। यू नेवर नो। मैं आपकी राय सुनने नहीं आई, ये मेरा फैसला है और मैं अरसलान से शादी करूंगी। ठीक है फरिया, तो फिर एक फैसला मेरा भी है, मैं तुम्हें एक रुपया नहीं दूंगी। जब तुम अरसलान की माँ के साथ उस बालिश भर के घर में रहोगी और तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है तभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा।